हरे तमके गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जय की राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि 13 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को माताएं बहने जो है वो करवा चौथ का व्रत करेंगी, तो करवा चौथ में जो सबसे मुख्य कार्य होता है कि शाम को चंद्र उदय होने पर चंद्र का दर्शन करना, उन अर्घ देना और जलपान करना। तो साथियों, चंद्र उदय एक महत्वपूर्ण घड़ी है इस विषय में, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं कि किन नगरों में कब चंद्र उदय होगा, क्योंकि कदाचित कभी कभी ऐसा होता है कि आकाश में बादल छा जाते हैं और चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते, तो महिलाएं परेशान हो जाती हैं कि चंद्र उदय का समय कब हुआ। इसलिए मैं आपको चंद्र उदय का विभिन्न नगरों में समय बताने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई हुई अन्य वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सके समय से। तो साथियों, जैसा मैंने बताया कि 13 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को दिन करवा चौथ का व्रत होने जा रहा है, तो सर्वप्रथम मैं तमाम नगरों के प्रदेशों के चंद्रोदय बताने जा रहा हूँ। तो जैसे बनारस में, बनारस जो पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा, इसमें 7:53 के आसपास चंद्रोदय होगा और वहीं लखनऊ में 7:59 हो जाएगा और बरेली में 8:02 होगा। इसके साथ साथ आगरा में 8:11 चंद्रोदय होगा। अब आते हैं उत्तराखंड में, तो देहरादून में 8:03 पर होगा, दिल्ली में 8:10 पर चंद्रोदय होगा, हरियाणा में कालका में 8:06, कुरुक्षेत्र में 8:09, गुरुग्राम में 8:11 पर चंद्रोदय होगा, चंडीगढ़ में वहीं 8:07 पर, अमृतसर 8:13, मोहाली 8:08 और अंबाला में 8:08 पर होगा, राजस्थान के जयपुर में 8:20 पर, अलवर में 8:15 पर और अजमेर में 8:26 पर चंद्रोदय होगा। अब साथियों, हिमाचल का रुख करते हैं, वहाँ पर मंडी में 8:04, बिलासपुर में 8:06 और बैजनाथ में 8:06, करीब करीब राउंड फिगर में वही 8:06 के आसपास चंद्रोदय है। अब बंगलोर में आते हैं तो 8:41 को वहाँ पर चंद्रोदय होगा, जम्मू कश्मीर में उधमपुर में 8:09 पर, कठुआ 8:08 और राजौरी में 8:11 पर, लेकिन मुंबई में 8:49 पर चंद्रोदय होगा, वहीं गुजरात के अहमदाबाद में 8:42 पर चंद्रोदय होगा और इंदौर में 8:29 पर और कोलकाता में 7:37 पर और पटना में 7:49 पर। आपने देखा कि कोलकाता चूंकि पूरब में है, इसलिए पूरब में जल्दी उदय होगा, जितना पश्चिम जाएंगे उतना आपका देर भी होगा, इसलिए मैंने दो गणना आपको किया। जिसे बम्बई में मैंने बताया कि 8:49 पर, गुजरात में 8:42 पर और वहीं कोलकाता में 7:37 पर। इस तरह से आपके देश के तमाम नगर हैं, सबका चंद्र उदय बताना संभव नहीं है, तो इसलिए आप एक लमसम में श्रेणी में अनुपात में कर लेंगे कि अगर कोलकाता में यहाँ पे है तो पटना में, जैसे मैंने बताया पटना में 7:59 पर और बनारस में 7:54 पर, इसी अनुपात में आप अपना चंद्रोदय देख लेंगे, उसी अनुसार अपनी आवश्यक पूजा पाठ जो करना होगा कर लेंगे। तो साथियों, इस तरह मैंने आपको 13 अक्टूबर करवा चौथ के चंद्रोदय के विषय में आपको जानकारी दिया। यदि आप हमारे चैनल पर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके। और साथियों, मैं ये भी चाहूँगा कि मैंने अपने वीडियो में वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष, सामान्य ज्योतिष जैसे और तमाम और उपाय कैसे स्वस्थ रहा जाए, कैसे
अपने घर की सुरक्षा किया जाए, कैसे चोरों से सुरक्षा किया जाए, कैसे सर्पों से सुरक्षा किया जाए, कैसे हमारा दिन सकुशल बीते, इत्यादि व्यवस्था के विषय मैंने आपको तमाम वीडियो में जानकारी दिया है। आप, मैं चाहूँगा कि आप उनको देखेंगे और अपना लाभ करें। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।